चप्पल पे चमाइन चले सेंडिल पे धुबिनिया हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया किसी भी पोलिटिकल अगर बोलने की औकात रखता है या बोलने की ताकत रखता है वो बहुजन समाज पार्टी के वजह से रहता है मुगलों के बाद अगर किसी ने निर्माण कार्य किया तो बहन जी ने किया हमने तो पार्क कहना गलत बल्कि ये कहें कि वो ऐतिहासिक धरोहर है उनके पेट में चुभ रहा है। तो चुभेगा उनको तो मैं चुप रहा हूँ मैं प्रोफेसर हूँ तो यूपी के लोग भी बीमार हैं क्योंकि बहन जी को समझ नहीं पाए नहीं तो ऐसा न्याय दिलाने वाली कौन सी नायिका आपको आपके धरती पे है जो अपने ही सांसद को अगर गलत करता है तो उसको सजा दे रही है बसपा एक पहली ऐसी पार्टी है जो ये बताया कि हम आ, हम लीडर बनेंगे और क्या हुआ हमारे लीडरशिप के अंतर्गत अपर कास्ट को रूप करना शुरू किया साहब ने यह भी कहा था कि बसपा एक नेता पैदा करने की फैक्ट्री है फैक्ट्री भी है और बस बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जो बसपा बस से हट कर जाएगा वो दूसरी जगह पर फिट नहीं बैठेगा वोट हमारा राज राजा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है तो हमारा वोट था तुम्हारा तो राज नहीं चलेगा हम अपना राज चलाएंगे और देखिए राज चलने ला नमस्कार मैं संजय अम्बेडकर आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का सड़सठवा जन्मदिन है कल और इस वक्त में हम प्रोफेसर विक्रम सर के साथ में बैठे हैं तो बहन जी का जन्मदिन आ रहा है सर तो बहन जी का जन्मदिन को लेकर किस रूप से आप देखते हैं क्या कहना चाहेंगे सर वो सबसे सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने चैनल में हमें जगह दिया है आ, जो बहन जी के बारे में एक जो सबसे बड़ा शब्द है वो ये कि बहन जी सही मायने में बाबा साहब की लिगेसी कैरी करने वाली एक मात्र उत्तराधिकारी हैं सही मायने में साहब कांसीराम के उत्तराधिकारी बहन जी रही हैं और बहन जी कभी एक ज़माने में खुद कहती थी कि वो तो जिंदा देवी हैं और मैं भी मानता हूं कि हमारे समाज में हालांकि मैं देवी देवता जैसे मिथिकल बातों को नहीं मानता

राजनीतिक पार्टी है वह है बहुजन समाज पार्टी जो आरएसएस के ब्राह्मणिकल आइडियाज को ध्वस्त करने वाली पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैडर कैडर बेस्ड पार्टी है और कास्ट के अगेंस्ट में जो सही मायने में आप ये देखिए जब बीएसपी का उभार हुआ उन्नीस के बाद न तो बहुजन समाज पार्टी के उभार के बाद जो आवाज़ आई दलित समाज के में पिछड़ो समाज के मध्य में बाम से दलित एस सी एस टी के में वो बहन जी की वजह से या साहब कांसी राम की वजह से आई नहीं तो इतने महापुरुष पिछड़े भी नहीं जानते थे जो महापुरुष पेरिया लाल साहू जी महाराज हमारी ज्योतिराव फुले सबके बारे में कौन बताया है हाँ ना आज जितने जितने भी महापुरुषों का हम जन्मदिन बहन जी ने साहब कांशी ने मनाया वो केवल बहुजन समाज पार्टी के जो हो है, तो पिछड़ों को भी अलग बहन जी ने जगाया और अगर उनके चार साल के चार बार के सरकार का कार्य भी देखें तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के एक महानतम तो शासक उन्होंने सरकार में रहते हुए अंबेडकर पार्क बनवाया लखनऊ में जी उसी को लेकर बीजेपी वाले करते रहते हैं। लेकिन सभी महापुरुषों को उन्होंने स्थापित किया तो ये तो तो, ये हाँ। तो हमारे बहन जी का बहुत ऐतिहासिक कार्य है ऐसा कार्य मुगलों के बाद मुगलों के बाद अगर किसी ने निर्माण कार्य किया तो बहन जी ने किया हमने तो पार्क कहना गलत बल्कि ये कहें कि वो ऐतिहासिक धरोहर है है ना भाई आप अपने समाज के साहब साहब कहते कहते थे, कहते थे और डॉक्टर केंबेडकर ने भी कई जगहों पे कहा है कि जिन कौमों का अपना इतिहास पता नहीं होता वो कभी शासक नहीं बन सकते तो वो हम हमें शासक बनना है साहब ने कहा कि हमको देश के शासक बनना बहुजन समाज को शासक बनाना है बहन जी ने ने कई कई अवसरों पे बोला बहन जी खुद शासक रही हैं तो उन्होंने करके दिखाया ना पूरे भारत की इतिहास अगर बहन जी के चार साल के शासन चारो बार के शासन में देखा जाए तो बहुत बड़ा शासन का बहुजन समाज के लिए स्कॉलरशिप के लिए कई यूनिवर्सिटीज बनी और सबसे बड़ी बात है कि जो नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी वो यूनिवर्सिटी भारत के समय आज कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार संरचना जिस प्रकार बिल्डिंग है जिस प्रकार का नाम फिर भी कभी... सर बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं आर वाले अन्य विरोधी पार्टी आरोप लगाती है कि दलितों की देवी धन की देवी हो गई है ओह दलित वंचित तबका है वो तो देख ही नहीं सकते ना कि दलित समाज कैसे पैसा कमा रहा है भाई मनुस्मृति में क्या लिखा था कि जो लार्जर कॉन्टेक्स में बहुजन समाज है सुद्र दोनों मिला करके उनको धन कमाने की न दे जाए आ, महिलाओं के पास पैसा की, पैसा ही ना मिले तो चाहे वो अपर कास्ट की महिलाएं हो चाहे ओबीसी और एससी की महिलाएं उनको पास धन कमाने की इजाजत नहीं थी इकट्ठा करने की इजाजत नहीं थी शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत नहीं थी तो वो तो कहेंगे ही ना विवेक सर या तमाम कहावते हैं एक जमाने में कि सेंडिल पे चप्पल पे चमाइन चले सेंडिल पे धुबिनिया हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया तो बताइए हिंदू समाज ने क्या कहा चप्पल पे चमाइन चले है ना सेंडिल पे धुबिनिया मैंने अगर चमार की लड़की चप्पल पे चल रही है सैंडल पे धुबिन चल रही है तो दुनिया बदल गई हे भगवान दुनिया बदल उनके पेट में चुभ रहा है। तो चुभेगा उनको तो मैं चुभ रहा हूं मैं प्रोफेसर हूं मैं चुभ नहीं रहा हूँ इसी नाते में बात हाँ में तो जो भी प्रोफेसर एक एक प्रोफेसर उनके आंखों में चुभेगा कास्ट सिस्टम के आंखों में हम चुभेंगे जो तभी तो देखिए मंडल कमीशन के बाद ओबीसी रिजर्वेशन को ठीक से लागू किया गया जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो कुछ बनने शुरू हो गए अब क्लास वन का ऑफिसर बनना क्लास वन की गाड़ी पे चलना ये इसकी वजह से कितने लोगों की हत्या कर दी जाती है मूछ रखने के लिए मार दिया जाता है है ना चश्मा पहनने के लिए अच्छे चश्मा अच्छा घर अच्छा गाड़ी पे चलने के लिए मार दिया जाता है क्या सर, आपको नहीं लगता कि जब की सरकार थी, तो ऐसा नहीं होता था की सरकार में की होती थी। लेकिन आ, आपको पता है की न्यूजी मैगजीन ने सॉ टाइम मैगजीन ने पूरी दुनिया में माना था की सबसे अच्छा शासन सा, कानून का वो बसपा का था आज तक बस आज जो विरोधी पार्टी थे एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो कहते थे कि अगर आपके विरोधी प्रशंसा करने लगे तो सही मायने आप शासन बहन जी की विरोधी प्रशंसा करते हैं कि बहन जी कैसी थे? ये, पता है कि और के हाथ पर थे ये नहीं था पहली बार डीएम चमरौटी में जाना शुरू किए किए पहले कहा नहीं होता था ये डीएम साहब कह नहीं चले जाते थे पहले क्यों नहीं अंबेडकर ग्राम योजना आई है ना ये सारी योजनाएं बहन जी लेकर आई ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश में अगर बसपा की सरकार ना आई होती तो यसी समाज जो है किसी भी पार्टी में भाग ना लेता बसपा उत्तर प्रदेश नहीं मैंने कहा कि पूरे वर्ल्ड भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव पड़ा आ, आ, आज जो हम बोलने वाले हो बसपा की वजह से बोल रहे कांग्रेस ने एक अच्छी पार्टी कांग्रेस ने जो जो दलितों को साथ दिया वो बहुजन समाज पार्टी के दबाव में दिया भारतीय जनता पार्टी में जो भी दलित राजनीतिक है वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से है किसी भी पोलिटिकल पार्टीज में आज दलित अगर बोलने की औकात रखता है या बोलने की ताकत रखता है वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से रखता है बहुजन समाज पार्टी को आप खारिज नहीं कर सकते कभी खारिज नहीं कर सकते जिसने खारिज करने की कोशिश गलत कर रहा है बहुजन समाज पार्टी थी जो आ, प, रिजर्वेशन प्रमोशन में बिल लेकर आई बहुजन समाज पार्टी थी जो महात्माओं का अपना आ, उनके नाम पे ये जिला बने कबीर नगर संत कबीर कबीर संत नगर बना लेकिन जब सपा की सरकार आई तो नाम फिर से चेंज हो गया तो ठीक है उनकी गलती थी अब सपा के लोग भी समझ रहे हैं जो जो गलतियां इन्होंने की थी एक जमाने में कांग्रेस ने भी कभी दलित की राजनीति ठीक से नहीं की दलितों को समझ नहीं पाई आज समझ रही है सपा ने कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं लेती थी और डॉक्टर का का नाम नहीं थी सभी पार्टियां जो है बाबा साहब फोटो तक नहीं लगाती थी। लेकिन हाँ। बी एस पी के आने के बाद सभी हाँ। पार्टियां आज बाबा साहब की मजबूर कर दिया है ना पहले हमको वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता पर हम अपना वोट का अधिकार भी नहीं जानते थे बसपा ने बताया वोट तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है तो हमारा वोट था तुम्हारा तो राज नहीं चलेगा हम अपना राज चलाएंगे और देखिए राज चलने लगा पेरियार साहब आए द साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट लेकर आए वहां पे देखिए जो ओबीसी और एस का आंदोलन चला अब तक कोई दूसरे विभाग के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते दूसरे कौम के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते और बनते भी है तो उनको हमारे एजेंडे पर चलना होता बसपा ने क्या किया बसपा एक पहली ऐसी पार्टी है जो ये बताया कि हम हम लीडर बनेंगे और क्या हुआ हमारे लीडरशिप के अंतर्गत अपर कास्ट के लोग चलना शुरू किए मानवर साहब ने ये भी कहा था कि बसपा एक नेता पैदा करने की फैक्ट्री है हाँ, फैक्ट्री भी है और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जो बसपा से हट कर जाएगा वो दूसरी जगह पर फिट नहीं बैठेगा फैक्ट्री भी है और कहा था कि जो बसपा से हट कर जाएगा वो दूसरी जगह पर फिट नहीं बैठेगा वो सच्चाई भी है बसपा से बस जो भी नेता बाहर गए कहा फिट बैठते हैं मनोहर कांसी राम साहब ने कहा था। हाँ कहा, कहा तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भाई अपर कास्ट का व्यक्ति भी अब जब भी बोल रहा है डॉक्टर बी आर की वजह से आंदोलन की वजह से जो राइटिंग स्पीच बाबा साहब की आई उसकी वजह से बस बहुजन समाज पार्टी बहन जी की राजनीति और साहब कांसि की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे राजनीति पूरे वर्ल्ड के राजनीति को प्रभावित करती है न केवल भारत बल्कि विश्व में बाबा साहब का रिकॉर्गन बहुजन समाज पार्टी के साथ होता है न जाने कितने का गठन लंदन में कनाडा में जो डायस्पोरा डायस्पोरा गए उन में जो आवाज आई वो बहुजन समाज पार्टी सर सुप्रीमो मायावती जी को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि मैंने बताया कि वो जो उनका शासन प्रशासन था वो शासन प्रशासन दरअसल बलबन की तरह था है ना बलबन अलाउद्दीन खिलजी की तरह था आ, इसी कड़ा, शासन कड़ा शासन था।, था और किसी भी आ, किसी भी एट्रोसिटी किसी भी अन्याय के खिलाफ वो बर्दाश्त अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे यहाँ तक कि अपने सांसद को अपने ही आवास पर बुला करके गिरफ्तार कर ऐसा कौन सा शासक मिलेगा पूरी दुनिया में कि अपने ही सांसद को अपने ही आवास से बुलाकर गिरफ्तार करवाते ये तो ना समझी है भारत सरकार या यूपी के लोगों की कि बहन जी को नहीं चुना आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि भारत के लोग बीमार लोग हैं तो यूपी के लोग भी बीमार हैं क्योंकि बहन जी को समझ नहीं पाए नहीं तो ऐसा न्याय दिलाने वाली कौन सी नायिका आपको आपकी धरती पे है जो अपने ही सांसद को अगर गलत करता है तो उसको सजा दे रही है इससे बड़ा न्यायप्रिय कौन होगा तो बहन जी सही मायने में न्यायप्रिय थी और इसी के साथ साथ मैं बहन जी को उनके सड़सठवें जन्मदिन पे ढेर सारी हमारी तरफ से मैं शुभकामना और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज हर घर में बहन मायावती को जन्म दे तो अभी प्रोफेसर सर ने बताया कि आयरन लेडी क्यों कहा जाता है बसपा सुप्रीमो मायावती जी को आपने वीडियो देखा वीडियो देखने के बाद शेयर ज्यादा से ज्यादा करें